कैसे हैं सारे बच्चे? वेलकम। अकाउंटेंसी में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक थोड़ा सा यूनिक चैप्टर है, थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है, थोड़ा सा अलग चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग पहले 2 वीडियो में थ्योरिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। यानी शुरू के 2 वीडियो में मैं इसकी थ्योरी आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप जब तक इसके थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं समझोगे आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये एक बड़ा चैप्टर है, यानी इसके लिए कई सारे वीडियोस बन सकते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी चैप्टर 4 पे आ गए हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे तो हम इसे भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। चलिए, चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मतलब क्या होता है? हमारी पार्टनरशिप फर्म जब उन्नति करती है, डेवलपमेंट पे पहुंचती है, विकास होता है उसका, आगे बढ़ती है, फेमस हो जाती है, ऐसी कंडीशन में उसे संभालने के लिए, उसे और मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति की, एक पर्सन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पुराने पार्टनर किसी नए व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को या किसी नए पर्सन को अपने बिजनेस में बुलाते हैं, ये कहलाता है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। मतलब साफ, बिजनेस को संभालने के लिए, बिजनेस में कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए, यानी पूंजी की प्राप्ति के लिए, अगर पैसा कम पड़ रहा हो, या बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना, या बिजनेस में किसी चीज की कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को, या किसी कर्मचारी को, या किसी एम्प्लॉय को जब एडमिशन दिया जाता है, बिजनेस में बुलाया जाता है, तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कहलाती है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक कहानी की तरह समझिए इसे। दो लोग हैं, ए और बी, दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं। इन्होंने एक व्यापार शुरू किया, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ता गया, डेवलप होता गया, उनके व्यापार की मांग, डिमांड कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर्स में होने लगी। दूर दराज तक इनके गुड्स, इसके माल के लिए ऑर्डर आने लगे। ऐसी कंडीशन में इनको अपना बिजनेस संभालते नहीं आ रहा है, तो उन्होंने इसके लिए एक सी नाम के व्यक्ति को बुलाया, सी नाम के पर्सन को बुलाया और अपना पार्टनर बनाया। ये कहलाएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही कारण हो, यही रीजन हो, और भी कारण, और भी रीजन हो सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने बताया था कि साझेदारी, पार्टनरशिप ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती। साझेदारी चालू करने के लिए, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए पार्टनरों के बीच, साझेदारों के बीच एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और उसी समझौते के मुताबिक, उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग साझेदारी, पार्टनरशिप आगे चलती है। पुराने समझौते में, पुराने एग्रीमेंट में अगर ऐसा लिखा है कि नया पार्टनर आ सकता है, न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है, तो डेफिनेटली नया पार्टनर आएगा, उस पर कोई भी रोक नहीं लगेगी, कोई भी बैन नहीं होगा, अगर समझौते में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो। और समझौते में, कॉन्ट्रैक्ट में पुराने नए पार्टनर के, नए साझेदार के आने में कोई भी पॉइंट नहीं है, या समझौता ही नहीं है, या एग्रीमेंट ही नहीं है, और नए साझेदार की जरूरत पड़ जाए, नए पार्टनर की जरूरत पड़ जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर सभी साझेदार विद्यमान, अभी जो साझेदार, अभी जो पार्टनर बिजनेस में मौजूद है, वो सभी साझेदार की सहमति ली जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा। जब तक वो एग्री नहीं होते, तैयार नहीं होते, तब तक नया पार्टनर नहीं आ सकता। समझौता बनाए, एग्रीमेंट बनाए, एग्रीमेंट में लिखा है तो नया पार्टनर आएगा, जरूरत हो तो आएगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई बैन नहीं होगा। लेकिन समझौता तैयार नहीं है, एग्रीमेंट तैयार नहीं है, तो बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के, साझेदारी में, पार्टनरशिप में ये अधिनियम लगता है, ये एक्ट लगता है 1932। इस अधिनियम के अंतर्गत जब सभी साझेदार तैयार हो, ऑल पार्टनर्स एग्री हो, तब नया साझेदार, तब नया पार्टनर आ सकता है।
ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रारंभिक इंट्रोडक्शन। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि नया पार्टनर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रवेश की आवश्यकता, कंडीशंस ऑफ नीड्स ऑफ पार्टनर, कि भाई इतने अच्छे वाले बिजनेस में नए पार्टनर की जरूरत क्यों है, क्या कारण है कि नया पार्टनर आ रहा है, क्यों हम हमारे बिजनेस में एक पार्टनर को बुला रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है। जरा सोचिए, जरा सा दिमाग पर प्रेशर डालिए, ठीक है। आपके पास एक मिठाई है, एक मान लीजिए लड्डू है, सपोज आपके पास एक लड्डू है और दो दोस्त मिलकर उस लड्डू को खाना चाहते हैं, ठीक है। उन दोनों ने सोचा कि हम आधा आधा लड्डू आपस में बांट लेंगे, तो क्या उस समय आप ये सोचोगे, क्योंकि तीसरा भी आ जाए और उसका एक और पार्ट हो जाए, एक और हिस्सा हो जाए, कभी नहीं सोचोगे। तो पार्टनरशिप में लाभ प्रॉफिट कमाने के लिए पार्टनर बिजनेस तैयार करते चालू करते हैं और वो प्रॉफिट को लाभ को आपस में बांटते हैं, तो क्या वो तीसरे व्यक्ति को किसी तीसरे साझेदार को बुलाकर उसको अपना भाग दे सकते हैं, उसको अपना पार्ट दे सकते हैं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी नए साझेदार की जरूरत पड़ती है, नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है, उसके रीजन बताता हूं मैं आपको। पूंजी की प्राप्ति, टू गेट कैपिटल। पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है तो सभी साझेदार सभी पार्टनर अपने अपने हिसाब से कैपिटल लगाते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, ठीक है। मान लीजिए पुराने साझेदारों ने, पुराने पार्टनर ने कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई और बीच में पैसों की कमी हो गई, कैश बिजनेस में कम हो गया, पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई, कैश की जरूरत पड़ गई, पैसा कहां से आएगा, कर्जा ले, लोन ले, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो क्यों ना हम एक व्यक्ति को, एक पर्सन को बिजनेस में बुलाए, अपना पार्टनर बनाए, भाई वो पार्टनर बनेगा तो जैसा हमने कैपिटल लगाई थी वो भी कैपिटल लगाएगा, हमारे बिजनेस को एक पर्सन, एक व्यक्ति मिल जाएगा और हमें उसके जरिए कैपिटल मिल जाएगी, ये रीजन है। क्योंकि पार्टनर बनने के लिए पूंजी का होना, कैपिटल का होना जरूरी है। तो नया पार्टनर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी आएगा, वो तो कैपिटल आएगा, पूंजी लाएगा, पैसा लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कारण यही है, पूंजी की प्राप्ति, टू गेट कैपिटल। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। कि अगर पुराने साझेदारों को, पुराने पार्टनर को पूंजी की जरूरत पड़ जाए, कैपिटल की जरूरत पड़ जाए, तो वो ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अपने बिजनेस में बुलाकर प्रवेश दे सकते, एडमिशन दे सकते। दूसरा कारण, संचालन क्षमता में वृद्धि, टू इंक्रीज मैनेजमेंट कैपेसिटी। हो सकता है कि जो साझेदार, जो पार्टनर बिजनेस को चला रहे हो, ठीक है, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी बिजनेस को संभालने की ना, उनका बिजनेस ज्यादा ही तरक्की कर गया हो, ज्यादा ही उन्नत हो चुका हो, ज्यादा ही फेमस हो चुका हो, ज्यादा ही डेवलप हो चुका हो और वो अपने बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे, बिजनेस की जो संचालन क्षमता है, ठीक है, मैनेजमेंट कैपेसिटी है, उनको मैनेजमेंट करते नहीं आ रहा है, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई हम इतना बड़ा बिजनेस संभाल नहीं पा रहे। तो संचालन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, इंक्रीज मैनेजमेंट कैपेसिटी, मैनेजमेंट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, भाई किसी भी बिजनेस को मैनेजमेंट करना, मैनेज करना कोई मामूली बात थोड़ी है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो खरीदना क्रय हो, बेचना सेल्स हो, ठीक है, चाहे वो कैश सिस्टम हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, हर चीज में मैनेजमेंट करना पड़ता है। और अगर पुराने पार्टनर मैनेजमेंट संभाल नहीं पा रहे, कार्य क्षमता उनकी कम है, मतलब उनकी संचालन क्षमता कम है, बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक नया पार्टनर बुला सकते हैं और उसके हाथ में ये कंडीशन दे देगी, भाई तो बिजनेस को अपने हिसाब से मैनेज कर, ओके। तीसरा कारण है, किसी साझेदार का अवकाश या मृत्यु होने पर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सपोज तीन साझेदार थे, तीन पार्टनर थे, उसमें से एक बिजनेस छोड़ के चला गया, इसे कहते हैं अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट। तो उसकी जगह पर बिजनेस को संभालने के लिए एक पार्टनर को बुलाया जा सकता है, या किसी एक की मृत्यु हो गई, किसी एक की डेथ हो गई, तो डेफिनेटली उसकी जगह को पूरा करने के लिए, उसके प्लेस को पूरा करने के लिए भी एक नया पार्टनर बुलाया जा सकता है।
ठीक है, तीन रीजन हो गए। चौथा रीजन है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस पर पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर ध्यान नहीं दे पा रहे, वो अपने व्यापार में, बिजनेस में तरह तरह की चीजों पर ध्यान दे पाते हैं, खरीदने पर, बेचने पर, कैश सिस्टम पर, फैक्ट्री पर, मशीनों पर कर्मचारियों पर, एम्प्लॉयज पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को समय समय पर ध्यान रखना, एनी टाइम हमेशा मोटिवेशन अभिप्रेरित किया जाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, ठीक है, उनको दिलासा देते रहना चाहिए, उनको तरह तरह के योजनाएं, तरह तरह के प्रोग्राम देना चाहिए ताकि वो काम करते रहे, काम से बोरियत महसूस ना हो। तो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए एक व्यक्ति को, एक पर्सन को पार्टनर बना दिया जाएगा और उसे बोला जाएगा भाई तो ये कर्मचारियों को, ये एम्प्लॉय को संभाल, इन पे ध्यान दे, इन पे कंट्रोल कर, इनको मोटिवेट कर, बाकी काम हम देख लेंगे। ये भी रीजन हो सकता है। फिर व्यापार की समृद्धि के लिए, व्यापार की समृद्धि के लिए, ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मान लो कि पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर बहुत सारा पैसा लेकर बिजनेस चालू करे, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया, सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनके नाम इतने फेमस नहीं है, इतने मशहूर नहीं है, और उस वजह से उनका व्यापार, उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, समृद्ध नहीं हो रहा, पैसा ढेला सब। ऐसी कंडीशन में वो एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को अपना साझेदार बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, जिसकी मार्केट में, बाजार में, उस क्षेत्र में अच्छी डील है, अच्छी पकड़ है, वो लोगों में फेमस है, समृद्ध है, एक प्रतिष्ठित, एक रेपुटेटेड पर्सन है, और उसके आते से इनका बिजनेस भी रेपुटेड हो जाएगा, व्यापार में समृद्धि हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। फिर विदेशी व्यापार की दशा में, इन द केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, मान लीजिए कि दो लोगों का व्यापार, दो लोगों का बिजनेस इंडिया में, भारत में तो फेमस हुआ ही हुआ, वो विदेशों तक भी पहुंच गया, फॉरेन तक भी उसकी ब्रांचेस चली गई, अब वहां ये बिजनेस संभालने के लिए वहां के किसी आदमी को, वहां के किसी पर्सन को, वहां के किसी व्यक्ति को ये दोनों पार्टनर अपना पार्टनर बना सकते हैं, अपना साझेदार बना सकते हैं, नया पार्टनर बना सकते हैं, ताकि वो विदेश का, फॉरेन का बिजनेस संभाल सके, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा समाप्त करने हेतु, टू अवॉइड बिजनेस कंपटीशन, व्यापार जगत में, बिजनेस फील्ड में कंपटीशन हमेशा होता रहता है। देखना आप मार्केट में कई प्रकार की दुकानें, कई प्रकार की फैक्ट्री एक जैसी होती है, ठीक है, और अगर कोई अगर पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर किसी बिजनेस से कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे, हो सकता है उस कॉम्पिटिशन की वजह से वो किसी नए व्यक्ति को, किसी नए साझेदार व्यक्ति को, किसी नए पर्सन को अपना पार्टनर बनाए ताकि वो कंपटीशन का सामना कर सके। ये कारण होते हैं, ये रीजन होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नए साझेदार की वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम पढ़ रहे नए साझेदार की वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ अ पार्टनर। स्टेटस मतलब उसकी पोजीशन क्या होती है व्यापार में, बिजनेस में, उसकी क्या स्थिति होती है। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो नया पार्टनर जो आएगा, ठीक है, वो सभी साझेदारों की सहमति से आएगा, सभी पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो अगर एग्री हो, वो अगर तैयार हो तो नया पार्टनर आएगा, या समझौते में, एग्रीमेंट में नए पार्टनर को बुलाने का एक समय सीमा निश्चित कर दी गई है, एक टाइम बांध दिया गया है, तो उस समय सीमा में, उस टाइम लिमिट में नया पार्टनर आएगा, ठीक है। अब नया पार्टनर जब आएगा, ठीक है ना, तो वो उसके आने के पहले जितने भी दायित्व है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी वर्क कंप्लीट हुए उसके आने के पहले, उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। भाई कैसे होगा, आप सोचिए, सोचिए, आपके यहाँ एक मेहमान आया, सपोज आपके यहाँ कोई गेस्ट आया और बस वो 12 बजे की गाड़ी से आने ही वाला है, उसके आने के पहले आपके घर में 11 बजे टीवी या आपका फ्रिज या आपका कोई फैन, इलेक्ट्रिक चीज खराब हो गई, जल गई, तो क्या आने वाला नया पार्टनर उसके लिए जिम्मेदार होगा, आने वाला नया गेस्ट, नया मेहमान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा?
कैसी बात कर रहे हो आप, कहाँ से होगा भाई, मैं तो अभी अभी आया हूँ। मेरे आने के पहले जो भी घटना है, जो भी प्रॉब्लम आपके व्यापार में आपके बिजनेस में हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, वो मेरे लिए, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये नए पार्टनर का अधिकार होता है, ये नए पार्टनर का लीगल स्टेटस होता है, कानूनी रूप से लीगल। वो नया साझेदार, नया पार्टनर, उसके आने के पहले के सभी दायित्व और सारी कंडीशंस के लिए, सभी लायबिलिटीज और सारी कंडीशंस के लिए, सभी दायित्व और सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों जिम्मेदारी लेगा, वो तो अभी अभी आया है, जो कुछ हुआ वो आपकी जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं। सीधी सी बात है, डेफिनेटली सीधी सी बात, ठीक है। हाँ, अब मैं आया हूं, मेरे आने के बाद मैं आपके बिजनेस में हाथ बढ़ाऊंगा, आपके बिजनेस को सपोर्ट करूंगा, जितना मेरे से होगा, जितना वर्क मुझे दिया जाएगा, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मेरे आने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये नए साझेदार का वैधानिक स्थिति होती है, स्टेटस होता है, ठीक है। और उसे जो काम दिया गया है, उसे जो कार्य दिया गया है, उसे जो लिमिट दी गई, वो उसी सीमा में रहकर, उसी लिमिट में रहकर वर्क करेगा, ठीक है। ये नए साझेदार का वैधानिक स्थिति होती है, नए पार्टनर का लीगल स्टेटस होता है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर वो लिखित रूप में स्वीकार करता है, राइटिंग में लिखकर देता है कि भाई मेरे आने के पहले के जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो फिर उसकी जिम्मेदारी उस पर आ सकती है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ सकती है। पहली बात तो वो क्यों लिखित में देगा, वो तो अभी आया है, उसके आने के पहले की चीजों के लिए वो थोड़ी जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर वो लिखित में देता है, राइटिंग में देता है, तो उस पर वो जिम्मेदारी, उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है, और उसके आने के बाद के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, उसके आने के बाद जो भी वर्क हो रहे उसके लिए वही जिम्मेदार है, वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और उससे पुराने पार्टनर ने जो वर्क दिया है, जो लिमिट वर्क दिया है, वो उसी काम को करेगा, उसी लिमिट में रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं नए साझेदार के अधिकार, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए भैया, हमारे घर जब कोई नया मेहमान, नया गेस्ट आता है, तो हमारे घर की कुछ चीजों पर जब तक वो रहता है उसका थोड़ा बहुत तो हक होता है, थोड़ा बहुत तो अधिकार होता है। मेरे बोलने का मतलब थोड़ा सा आपको और लगेगा, ठीक है। आप क्या, कोई गेस्ट आया और वो टीवी देख रहा है, तो क्या आप देखने से मना कर दोगे? और फ्रिज का पानी पी रहा है, तो आप क्या मना कर दोगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो पूंजी लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, ओके। तो उस कैपिटल पुराने पार्टनर ने भी लगाई, नए पार्टनर से मांगी जाएगी। तो जब वो कैपिटल लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म की सभी संपत्तियों पर, फर्म की सभी प्रॉपर्टीज पर उसका भी हक हो जाता है, उसका भी राइट हो जाता है। तो पहला अधिकार, पहला राइट है संपत्ति पर अधिकार, प्रॉपर्टी पर उसका राइट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल लाएगा, कैपिटल लाएगा तो बिजनेस का वो भी मालिक ही माना जाएगा, और अगर बिजनेस का मालिक माना जाएगा तो उस दिन से बिजनेस की सारी संपत्तियों पर, बिजनेस की सारी असेट्स पर उसका हक हो जाएगा, उसका राइट हो जाएगा, जितना पुरानों का है। लेकिन उसके पहले पुरानी संपत्तियों का, पुरानी असेट्स का और दायित्वों का, लायबिलिटीज का मूल्यांकन करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी आप यही समझिए कि नया साझेदार आने के बाद, नया पार्टनर आने के बाद उसका संपत्तियों पर, उसका असेट्स पर अधिकार हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे हिस्सा मिलता है। डेफिनेटली जब वो पार्टनर है तो उसको पुराने पार्टनर के जैसा एक हिस्सा मिलेगा, एक अंश मिलेगा। भाई जब वो पार्टनर है, कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, तो उसको भी लाभ में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा, और लॉस हुआ तो उसको उतना लॉस भरना पड़ेगा, ये उसका अधिकार है। अब आप बोलेंगे सर उसको हिस्सा कौन देगा, यही तो क्वेश्चन है। जब मैंने आपको लड्डू का एग्जाम्पल दिया था, अगर एक लड्डू दो लोग खा रहे और तीसरा फ्रेंड आ गया, तो उसको भी आपको उस लड्डू में से हिस्सा देना पड़ेगा, पार्ट देना पड़ेगा, इससे बाकी के दोनों के पार्ट, बाकी के दोनों के हिस्से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
तो नए आने वाले साझेदार का सबसे पहला अधिकार फर्म की संपत्ति पर हो जाता है, प्रॉपर्टी पर हो जाता है, और दूसरा अधिकार, दूसरा राइट, उसको लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट होता है। जिस प्रकार पुराने पार्टनर को फर्म के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, पार्ट मिलता है, उसी प्रकार नए साझेदार को भी एक हिस्सा, एक पार्ट देना पड़ेगा। अब नए पार्टनर को कितना हिस्सा देना है, कितना पार्ट देना है, ये हमारे प्रैक्टिकल। पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर अपना हिस्सा त्याग कर, अपना पार्ट सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को देंगे। लड्डू वाला एग्जांपल याद रखना। और जितना नए पार्टनर को मिला है उतना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा, ये ध्यान रखना। हम प्रैक्टिकल्स में इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद आने वाले कुछ और थ्योरी के क्वेश्चन समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।